दोस्तों आईपीएल 2023 में आज का सुपर हिट मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल 2023 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2023 का नया पॉइंट टेबल क्या है। इसके साथ ही यहाँ पर से सभी 10 टीमों को प्ले ऑफ में जाने के लिए कम से कम कितना मैच जीतना पड़ेगा, पर्पल कैप ऑरेंज कैप किसके पास है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल के किसी भी मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आईपीएल 2023 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल में आज का सुपर हिट मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल के पॉइंट टेबल के समीकरण में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक टोटल 12 मैच खेले जिसमें से सिर्फ 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली और 8 मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से दिल्ली की टीम टोटल 12 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट -0.686 और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो गई, यानी कि अब दिल्ली प्ले ऑफ में नहीं जा पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पर एडन मार्करम की कप्तानी वाली यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और एसआरएच ने अभी तक टोटल 12 मैच खेले जिसमें से सिर्फ 4 मैचों में एसआरएच को जीत मिली और 8 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से एसआरएच टोटल 12 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है और सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट -0.575 है और एसआरएच की टीम भी आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो गए, जहां पे कल वाले मैच में हैदराबाद हारते ही प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से डिस्क्वालिफाई हो गई। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स ने अभी तक टोटल 12 मैच खेले जिसमें से 6 मैचों में पंजाब किंग्स को जीत मिली, वहीं 6 मैच में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से पीबीकेएस टोटल 12 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है और पंजाब किंग्स का नेट रन रेट -0.268 और पंजाब को अगर प्ले ऑफ में जाना है तो इनको बचे हुए दोनों मैचों को जीतना पड़ेगा और उसके बाद पंजाब किंग्स की टीम आसानी से प्ले ऑफ में चली जाएगी और पंजाब को अपना नेट रन रेट भी प्लस में लाना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है 2 बार की चैंपियन और नीतीश राणा की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक टोटल 13 मैच खेले जिसमें से 6 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली, वहीं 7 मैच में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से कोलकाता की टीम टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके और 7 मैच हार करके 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है और कोलकाता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट -0.256 है और कोलकाता की टीम भी आईपीएल के प्ले ऑफ के दौर से 99.9% बाहर हो गई क्योंकि इनका नेट रन रेट माइनस में है। तो इस वजह से कोलकाता के पास बहुत ही रेयर चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में पहुंचेगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम और राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक टोटल 13 मैच खेले जिसमें से सिर्फ 6 मैचों में राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली, वहीं 7 मैच में आरआर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से राजस्थान रॉयल्स टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके और 7 मैच हार करके 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है और राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट +0.140 है और राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए अपना अंतिम मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके राजस्थान के पास प्ले ऑफ में जाने का बहुत ही रेयर चांस होगा क्योंकि अंतिम मैच जीतने के बावजूद भी राजस्थान के 14 अंक ही हो पाएंगे, तो उस कंडीशन में राजस्थान प्ले ऑफ में जाएगी इस बात के बहुत ही कम चांस है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम
और फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और आरसीबी ने अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से 6 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत मिली और 6 मैचों में आरसीबी टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से आरसीबी टोटल 12 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है और आरसीबी टीम का नेट रन रेट +0.166 है और आरसीबी टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने अंतिम दोनों मैचों को जीतना पड़ेगा, तभी बेंगलोर प्लेऑफ में जाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है 5 बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि आज के मैच की हारने वाली टीम मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने अभी तक टोटल 13 मैच खेले, जिसमें से 7 मैचों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत मिल गई, लेकिन 6 मैचों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से एमआई की टीम टोटल 13 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है और मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट -0.150 है और अब मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने अंतिम मैच में किसी भी हालत में जीत दर्ज करना पड़ेगा। और अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपना अंतिम मैच हारेगी तो ये टीम प्लेऑफ के दौर से ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई कर जाएगी। तो मुंबई को अपने अंतिम मैच में एनी हाउ विन करना पड़ेगा और आज वाले मैच में मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट से इकाना में हार गई। इसके बाद पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है 4 बार की चैंपियन और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक टोटल 13 मैच खेले, जिसमें से 7 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली, वहीं 5 मैच में चेन्नई को हार मिला और 1 मैच चेन्नई का रद्द हो गया। तो अभी चेन्नई 13 में से 7 मैच जीत करके और 1 मैच रद्द खेल करके 15 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है और चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट +0.381 है और चेन्नई को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने अंतिम मैच में किसी भी हालत में जीत दर्ज करना पड़ेगा। और अगर चेन्नई मैच हारेगी तो ये टीम भी लगभग प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। तो चेन्नई का अंतिम मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पे है आज के मैच की विनर यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और लखनऊ सुपर जायंट ने अभी तक टोटल 13 मैच खेले, जिसमें से 7 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट को जीत मिली, 1 मैच इनका रद्द हो गया, वहीं 5 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से लखनऊ सुपर जायंट टोटल 13 में से 7 मैच जीत करके और 1 मैच रद्द खेल करके 15 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पे है और लखनऊ सुपर जायंट का नेट रन रेट +0.400 है। और लखनऊ सुपर जायंट को अगर यहां पर से प्ले ऑफ में जाना है तो इनको अपने अंतिम मैच को जीतना पड़ेगा, लेकिन आज का मैच जीतने के बाद लखनऊ के प्ले ऑफ में जाने के चांसेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुके। तो अब बात करते हैं पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में। तो यहां पे है डिफेंडिंग चैंपियन और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम। और गुजरात टाइटंस ने अभी तक टोटल 13 मैच खेले, जिसमें से 9 मैचों में गुजरात टाइटंस को जीत मिली और सिर्फ 4 मैच में जीटी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से गुजरात टाइटंस टोटल 13 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है और गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट +0.835 है। और जीटी की टीम आईपीएल के प्ले ऑफ में ऑफिशियली जा चुकी है यानी कि गुजरात टाइटंस के नाम के आगे अब क्यों लग चुका है। तो आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस के बाद अब कौन कौन सी 3 टीमें इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी, तीनों टीमों का नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसिस के पास है, जो कि 12 मैचों में सर्वाधिक 631 रन बना चुके हैं। इसके बाद सेकेंड पे है शुभमन गिल, जो कि 13 मैचों में 576 रन बना चुके हैं। वहीं थर्ड पे है यशस्वी जायसवाल, जो कि 13 मैचों में 575 रन बना चुके हैं। और इसके बाद पर्पल कैप के बारे में बात करें तो पर्पल कैप मोहम्मद शमी के पास है, जो कि 13 मैच में 23 विकेट चटका चुके हैं। वहीं सेकेंड पे है राशिद खान, और राशिद खान भी 13 मैचों में 23 विकेट चटका चुके हैं। वहीं थर्ड पे है युजवेंद्र चहल, जो कि 13 मैचों में 23 विकेट ले चुके हैं। तो अब बात करते हैं बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो फिलहाल सिक्सर किंग है फाफ डु प्लेसिस, जो कि 12 मैचों में सर्वाधिक 34 छक्का मार चुके हैं। इसके बाद बाउंड्री किंग है यशस्वी जायसवाल, जो कि 13 मैचों में 74 चौका मार चुके हैं। तो ये था आईपीएल 2023 में आज का नया पॉइंट टेबल। पर्पल कैप ऑरेंज
ऑरेंज कैप से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।